तो आज हम देखेंगे पोको के इस बहुत ही अमेजिंग फ़ोन का रिव्यू जिसका नाम है पोको M2। मैंने ये फ़ोन रिसेंटली परचेज किया है, ऑल्दो इसका अपडेटेड मॉडल भी आ चुका है। इस प्राइस पॉइंट में इससे बेहतर फ़ोन मुझे नहीं लगा है, क्योंकि इसके जो स्पेक्स हैं वो आपको इस प्राइस पॉइंट में किसी और फोन में नहीं देखने को मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ब्लॉगर शर्मा, मैं हूं आपका होस्ट राम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो दिस इज़ द बॉक्स ऑफ पोको M2। काफ़ी क्लासी सा बॉक्स दिया हुआ है। पोको की ब्रांडिंग आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगी, सेंटर में आपको M2 इसका मॉडल नंबर, और यहाँ नीचे में इंडियाज फर्स्ट क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड एंड मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है और यहाँ पे पोको M2 की ब्रांडिंग येलो कलर से। वहीं नीचे की साइड आपको फ्लिपकार्ट का एक बार कोड देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर से। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बस मैं हाईलाइट रीड कर देता हूँ, इसका जो MRP है वो 12999 है। और बॉक्स के बैक साइड में आपको कुछ की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें कि लगी है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। वहीं अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Helio G80 का हाई परफॉर्मेंस ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस का साथ देने के लिए आपको मिलती है एक बड़ी सी 5000 mAh की बैटरी। उसके बाद रियर में आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइमरी लेंस है वो 13 MP का है। एंड यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया क्लियरली दिख जाएगा। और ये जो वेरियंट है ये स्लेट ब्लू कलर में है, 6GB 64GB वेरिएंट है ये। आइए करते हैं बॉक्स को ओपन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा वापस वही लेमन कलर में। इसको निकालते हैं एंड देखते हैं इसमें आपको प्रोटेक्शन कवर मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा और कुछ पेपर वर्क। यहाँ पे आपको कवर नहीं मिलता है इसके साथ में, कोई भी सिलिकॉन कवर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन देखने को मिल जाता है। अभी फ़ोन को साइड करते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आपको मी की ब्रांडिंग वाला एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है। ऑल्दो ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है, 5V 2A का चार्जर ये मिलता है साथ में। एंड इस प्राइस रेंज में आपको टाइप सी केबल भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस इज़ दी फोन जो कि अभी रैप्ड है, ये स्लेट ब्लू कलर में है एंड ये 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, जो कि सेकंड टॉप कॉन्फ़िगरेशन है इस फ़ोन की। यहाँ बैक साइड आपको पॉलीकार्बोनेट मिल जाती है और ये फुली मैट है। और यहाँ पे भी आपको दो डिज़ाइन देखने को मिल रहे होंगे, टॉप साइड जो है वो प्लेन मैट है, नीचे की साइड में आपको थोड़ा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। बैक साइड काफ़ी प्लेन रखी गई है, ये स्टिकर को रिमूव करते हैं और यहाँ पे आपको छोटी सी एक पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड अब आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे दो डिज़ाइनिंग पैटर्न्स हैं, एक प्लेन है और एक यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैटर्न देखने को मिलता है नीचे की साइड में। सेंटर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर आपका 13 MP रहेगा, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा। बोके शॉट के लिए आपको डेप्थ सेंसर जो है वो 2 MP का मिलेगा एंड मैक्रो शॉट्स के लिए आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर राइट साइड को देखें तो यहाँ पे आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है, साथ ही में आपको वॉल्यूम रॉकर्स भी मिल जाते हैं, जो कि सेम कलर में मिलते हैं। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिम ट्रे मिलती है, बाकी नीचे तक ये क्लीन लुक में आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द डिज़ाइन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आपको छोटी सी पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ये कुछ फिंगरप्रिंट जैसा आपको पैटर्न देखने को मिलता है, ये एक्स्ट्रा ग्रिपिंग प्रोवाइड कराता है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ग्रिपिंग आपको इसमें मिल जाती है। ऑल्दो मैट फिनिश में है लेकिन स्टिल ये थोड़ा बहुत स्लिपरी है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट डिज़ाइन काफ़ी यूजफुल है। और ये सिम ट्रे निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में आप अपनी 2 SIM भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम में आपको स्पीकर वेंट देखने को मिल जाता है, ये मोनो स्पीकर है, ये स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही में आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, माइक्रोफोन एंड टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड टॉप पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिल जाता है, उसी के साथ साथ आपको एयर ब्लास्टर भी मिल जाता है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, जिसमें फिट है आपका 8 MP का सेल्फी कैमरा। ये 6.53 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले है, जिसमें की लगी है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, क्योंकि इस प्राइस रेंज में फुल HD+ का सपोर्ट आपको और फोन्स में नहीं मिलता है, मोस्टली फोन्स फुल HD ही सपोर्ट करते हैं इस प्राइस रेंज में। आइए करते हैं फोन को जल्दी से बूट और देखते हैं आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये फोन रन करता है MIUI 11 पे, तो जल्दी से बूट करते हैं और देखते हैं। और ये हो चुका है फ़ोन सेटअप। यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएगा बहुत सारा, यहाँ पे आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और देखते हैं ये ऐप्स आप रिमूव कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो रिमूव कर सकते हैं। स्क्रीन साइज़ इतना लार्ज होने की वजह से आपको सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कैमरा की ब्राइटनेस थोड़ी बहुत डाउन की हुई है ताकि आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो पाए। फ़ोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको थीम का सपोर्ट मिल जाएगा, आप अपने फ़ोन के इंटरफेस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस फ़ोन को।
और अब चेक करते हैं अबाउट फोन सेक्शन में जाके, तो यहाँ पे आपको डिवाइस नेम, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्टोरेज में जाते हैं तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स 48.7 GB मिलता है आउट ऑफ 64 GB, एंड आउट ऑफ द बॉक्स पोको M2 में आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल स्पेक्स में जाके देखें तो यहाँ पे 6 GB वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, 6 GB रैम इसमें आता है, ये सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है। इस प्राइस पॉइंट में आपको 6 GB रैम वाला सिर्फ एक यही फ़ोन देखने को मिलेगा, बाकी सब में मैक्सिमम 4 GB होती है। 6 GB अगर आती है तो उसका प्राइस रेंज बढ़ जाता है। एंड ब्राइटनेस अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, डिसेंट ब्राइटनेस है, सनलाइट में अगर आप जाएंगे तो उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं मिलेगी। ये फ़ोन की डिस्प्ले 3 कलर स्कीम्स के साथ भी आती है, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क या फिर आप वाइब्रेंट रखना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट आपको फॉन्ट का भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यूजुअली फोन्स में आपको 2 या 3 फॉन्ट्स ही देखने को मिलते हैं, यहाँ पे फॉन्ट्स की भरमार है, आप कोई भी फॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर जाते हैं नॉच पे, तो नॉच पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, एक नॉर्मल नॉच देखने को मिलती है और थर्ड ऑप्शन जो आता है उसमें आप नॉच को ऑफ कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं फ़ोन की सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, प्लस उसी के साथ आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, अभी आप डिस्प्ले को ज़रा फोकस कीजिए, यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो ये बहुत ही फास्ट है, मुझे काफ़ी सही लगा। एंड फेस अनलॉक सेंसर तो इसका सुपर फास्ट है, आप इसको हल्का सा ही देखेंगे फ़ोन की स्क्रीन की तरफ एंड ये तुरंत अनलॉक हो जाएगा, आपको बस स्लाइड अप करना है और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं कैमरा की, किसी भी फ़ोन का कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, एंड यहाँ पे तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, तो मेन स्क्रीन पर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, जूम इन के लिए या फिर जूम आउट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ डेप्थ सेंसिंग के लिए आपको 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। मैं सभी शॉट्स एक साथ ले लूँगा, बाकी मैं एंड में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर जाके डिफरेंसेस देख सकते हैं। कैमरा में आपको काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, HDR मोड है, AI मोड है इसमें, प्लस आपको कलर बूस्टर भी मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको कुछ प्री फिल्टर्स भी मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में ब्यूटी मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब आते हैं वीडियो मोड पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फुल HD 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देता है, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड का रिकॉर्डिंग आपको सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा आप मैक्रो लेंस से भी शूट कर सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बार आपको सेंटर में देखने को मिलेगी जो आपको गाइड करेगी कि आपका फ़ोन को किस एंगल में किस पोजीशन पे टिल्ट करना है। यहाँ पे आपको वीडियोस में भी काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं और नॉर्मल वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्लो मोशन वीडियो भी मैक्रो लेंस के साथ शूट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लो मोशन वीडियोस का भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो ये फ़ोन 720 pixels पे 240 फ्रेम्स पर सेकेंड को ही सपोर्ट करता है। मैंने इसी फ़ोन के साथ कुछ सैम्पल शॉट्स लिए हैं इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग के साथ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं फॉर मोर डिटेलिंग्स। आइए देखते हैं सैम्पल शॉट्स और आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी है, पिक्चर की क्वालिटी कैसी लगी है। मैंने ये फ़ोन अमेजोन से परचेज़ किया था फॉर अराउंड 10,000 rupees, जो कि है 6 GB 64 GB वेरिएंट का प्राइस। इसमें एक और वेरिएंट आता है जो कि है 6 GB 128 वेरिएंट, वो इससे 1,000 rupees एक्सपेंसिव है। ऑल दो इस फ़ोन का एक न्यू मॉडल भी आ चुका है पोको M3, जिसमें कि आपको क्वाड कैमरा नहीं देखने को मिलता है, उसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है एंड वो इससे 1,000 rupees एक्स्ट्रा है। मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया था, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये फ़ोन ऑर्डर किया था। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको ये फ़ोन कैसा लगा है। एंड एक मेजर पॉइंट, मुझे इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी डिसेंट लगी है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है एंड बहुत लो भी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स में और वायर्ड ईयरफोन्स में इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिल देन की वॉचिंग ब्लॉगर शर्मा, बाय बाय, टेक केयर।